हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब क्लास 11th। बेटा, एज यू नो, वी आर स्टडीइंग द एंजाइम सेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड वी हैव कंप्लीटेड 6 लेक्चर्स ऑफ दैट पोर्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बेटा, एंड दिस माइट बी द लास्ट लेक्चर, एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दैट एंजाइम सीरीज बेटा, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, एंजाइम यूनिट्स, आइसो एंजाइम्स बेटा, राइबोसाइम्स, जो छोटे छोटे टर्म्स बेटा मैंने मेंशन की थी अपने लेक्चर्स में। अब यहाँ तक आया है बेटा, तो इनको डिस्कस करके जाएंगे। आई विश कि मैं खुद चाहता हूँ कि आपको पता चले इन चीज़ों पे डिस्कस की जाए। कभी कभार एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या बोर्ड एग्जाम में तो चांसेस नहीं है बेटा, नीट में कहीं ना कहीं ये आ सकती है बेटा। तो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट दोज टर्म्स एंड दिस इज द कंक्लूडिंग लेक्चर ऑफ एंजाइम सीरीज एंड द कंक्लूडिंग लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बेटा। तो आफ्टर दिस लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग दैट फिजियोलॉजी यूनिट, दैट फिजियोलॉजी सेक्शन, दैट T2 सेक्शन ऑफ योर सिलेबस बेटा, एंड वी आर पिकिंग अप द वेरियस सिस्टम्स, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस फ्रॉम टुमारो बेटा। नेक्स्ट लेक्चर्स उसी पे आ जाएंगे। तो फिलहाल जो आज का टॉपिक, अभी का इस लेक्चर के टॉपिक्स है बेटा, वो शॉर्ट टर्म्स है जिनकी नॉलेज आपको होना जरूरी है बेटा, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली टर्म हमारी जो अभी की है, दैट इज एंजाइम यूनिट्स, एंजाइम यूनिट, या ऐसे लिखेंगे हम बेटा, यूनिट ऑफ, ये यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्शन। बेटा बहुत छोटे टॉपिक्स है ये, बट अच्छी खासी वेटेज कैरी करते थे, कैरी ह्यूज वेटेज बेटा, एज फार एज द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, एंड यू आर सपोज टू नो दीज टर्म्स। अगर हम एंजाइम में 7 लेक्चर दे रहे हैं, दैट टू इन द 11th क्लास, अगर हम 7 लेक्चर एंजाइम्स पढ़ रहे हैं ना, तो बेटा ये टर्म्स तो आनी जरूरी है आप लोगों को। अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है एंजाइम सेक्शन में या बाकी बायोमोलिक्यूल्स में, एज यू नो, तो इन टर्म्स को आप डिस्कस करके जाएंगे हम, ठीक है बेटा। तो यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्शन बेटा, अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है, बार बार हर टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते थे बेटा, एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराएंगे। एंजाइम एक्शन का मतलब यही हुआ ना, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कराएंगे बेटा, या हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को लो कराएंगे बेटा। बड़ी सारी एंजाइम एक्शंस आप भी जानते हैं कैसे एंजाइम एक्ट करता है। एंजाइम एक्शन को मेजर कैसे किया जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन था साइंटिफिक वर्ल्ड के बायोमोलिक्यूल, जो बायोलॉजिस्ट्स थे जो बायोमोलिक्यूल के साथ डील कर रहे थे, उनके सामने एक क्वेश्चन था बेटा कि एंजाइम एक्शन को मेजर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो एंजाइम एक्शन, जैसे कि आप जानते हैं, एंजाइम एक्शन मेजर नहीं करेंगे कि कितना एंजाइम लगा, ना ना ना, दैट विल नेवर बी इन mg's और ऑल दैट मिलीग्राम्स में कितना एंजाइम लगा है, वो यूनिट नहीं हो सकता बेटा, ठीक है बेटा, वो यूनिट नहीं है इसका। कि जैसे दिमाग सोच रहा है ना कि कितना एंजाइम लगा इस रिएक्शन को कराने के लिए, ये शायद एंजाइम एक्शन होगी, नहीं। एंजाइम एक्शन जो है, दैट इज मेजर्ड, तो बेटा मेजर्ड है इसकी एक्टिविटी में। एंजाइम का जो एक्शन है ना बेटा, एंजाइम का जो यूनिट है ना, कि एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करता है, उसको कैसे मेजर किया जाएगा, उसकी एक्शन को कैसे मेजर किया जाएगा, वो उसकी एक्टिविटी से मेजर किया जाएगा बेटा। एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी सब लोग जानते हैं बेटा, क्या है कि टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, आर टू हेल्प इन द कन्वर्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, आर जो स्पीड अप कराएगा उस रिएक्शन को, जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कराएगा और जल्दी जल्दी रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कराएगा प्रोडक्ट्स में, ये उसकी एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी है टू स्पीड अप the conversion of, to speed up the conversion of reactants into products beta, ये इसकी एक्टिविटी है। तो बेटा एंजाइम एक्शन का जो यूनिट है, दैट इज नेवर डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, राइट बेटा, दैट इज नेवर डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द कंसेंट्रेशन। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में कभी भी इसको डिस्कस नहीं किया जाता है। इनस्टेड दैट एंजाइम एक्शन, द यूनिट्स ऑफ द एंजाइम एक्शन और एंजाइम एक्शन इज डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ इट इज एक्टिविटी। व्हाट इज दैट एक्टिविटी बेटा, इट स्पीड्स अप द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, ये इसकी एक्टिविटी है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरियस यूनिट्स वर प्रपोज्ड बेटा, बहुत सारे यूनिट्स प्रपोज किए गए इस एंजाइम एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, ठीक है बेटा।
बड़े सारे यूनिट, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक यूनिट्स आ गए, बड़े सारे आर्मस्ट्रांग यूनिट एक था बेटा, किंग आर्मस्ट्रांग यूनिट था, बड़े सारे यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स टू मेजर, हम ऐसे लिखेंगे बेटा, बेटा टू मेजर द एंजाइम एक्टिविटी, टू मेजर द एंजाइम एक्टिविटी बेटा वेरियस यूनिट्स वेर प्रपोज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बेटा, फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरियस यूनिट्स वेर प्रपोज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे कि मैंने अभी कहा बेटा, एक ये साइंटिस्ट अपने नाम पे इसको रखते थे किंग आर्मस्ट्रांग यूनिट. बहुत सारे यूनिट्स आ गए, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक यूनिट्स बहुत सारे दिए गए, फोटोमेट्रिक यूनिट्स बेटा, ये सारे यूनिट्स पहले आए, लेकिन इन सारे यूनिट्स में क्या बात थी, ये डिफर करते थे, इनकी स्केल डिफरेंट थी बेटा, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बनती थी, एक कंसिस्टेंसी नहीं बनती थी बेटा. यूनिफॉर्मिटी किस एंगल में कि ये एक एंजाइम को सपोज इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक एंजाइम का एक वैल्यू आता, उसी एंजाइम का किंग आर्मस्ट्रांग में दूसरा वैल्यू आता, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ था, ये एम्बिग्यूअस था बेटा. उसके बाद इन सारे यूनिट्स को साइड में रख के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जानते हैं आप बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है उन्होंने क्या किया, शाबाश बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB, इन्होंने क्या किया, they actually proposed a unit, उन्होंने एक यूनिट प्रपोज किया, एक यूनिट इंट्रोड्यूस किया टू मेक श्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना. दे proposed a unit or they introduced a unit, they introduced a unit, किसका यूनिट बेटा, एंजाइम एक्टिविटी को मेजर करने का यूनिट. क्यों इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ताकि इनको है जो इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री करता है, दैट इज द प्रिंसिपल, दैट बिकम्स द प्रिंसिपल लाइन, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है बेटा, उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो यूनिवर्सल होती है. इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिट टू मेक श्योर दैट देयर इज a uniformity बेटा, there is a uniformity in शाबाश, किसमें शाबाश, in the measurement of enzyme action, in the measurement of enzyme action, उसमें एक uniformity हो. इसके लिए unit किसने introduce किया बेटा, international union of biochemistry वालों ने एक unit introduce किया बेटा, ताकि वहां पे क्या हो, uniformity हो बेटा. तो इस यूनिफॉर्मिटी के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने उन सारे यूनिट्स को जो उनसे पहले आए थे यूनिट्स बेटा, उन सारे यूनिट्स को क्या किया, डिस्कार्ड, उनको साइडलाइन करके एक अपना सा यूनिट दिया. उस यूनिट का नाम उन्होंने क्या रखा, अभी बताता हूं बेटा. उस यूनिट का नाम रखा गया बेटा शाबाश, कैटल, KATAL, ठीक है बेटा. इस कैटल को डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म से कैट, कैट बेटा, कैट कहते हैं इसको शॉर्ट में. दे इंट्रोड्यूस्ड ए यूनिट कॉल्ड एज कैटल बेटा. ये जो कैटल यूनिट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की जानिब से बेटा, कैट से डिनोट करते हैं बेटा. ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इस टर्म को ध्यान से रखेंगे आप याद. यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्शन बहुत सारे थे, बहुत सारे, बट एक चीज पहले आप याद रहेंगे, इट इज नेवर एवर, एंजाइम एक्टिविटी इज नेवर एवर मेजर्ड इन एंजाइम कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन यूनिट्स. इन अ स्टेट फिर क्या होता है, इस एंजाइम एक्शन को मेजर करने के लिए होता है एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करो. व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट्स स्पीड इज ऑफ द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, और इट लवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है बेटा. तो इसलिए बहुत सारे यूनिट्स प्रपोज किए गए, बट दे आर हैविंग शाबाश नॉन यूनिफॉर्म, they were having some ambiguity, there was some ambiguity in those units, the values of those units are measurement to scale unki thi usko ambiguous thi. In order to shabash rectify that ambiguity, international union of biochemistry jo hai beta, they introduced a unit, their own unit called as kettle, that is denoted by the short form cat,
ठीक है, इन मेक श्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द मूवमेंट ऑफ एंजाइम एक्शन बेटा. व्हाट इज दिस कैटल, ये है क्या ये यूनिट बेटा? कैटल किसको क्या डिनोट करता है बेटा, वो भी हम पढ़ेंगे बेटा. ये कैटल किस चीज को कहते हैं बेटा? ठीक है बेटा, अब देखते हैं ये कैटल क्या चीज है. ये जो कैटल है बेटा, ये जो यूनिट कैटल है, जो कैटल यूनिट जो है, इट डिनोट्स द कन्वर्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट. यही तो हमें करना है, सबस्ट्रेट के मोल्स को ही कन्वर्ट करना है ना. किस में बेटा? प्रोडक्ट्स में. इट डिनोट्स द कन्वर्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स पर सेकेंड. मतलब ये हुआ ना, नंबर ऑफ मोल्स, शाबाश, पर सेकेंड. ये हुआ ना बेटा, क्या डिनोट होता है बेटा, मैं बताता हूं. इट डिनोट्स द कन्वर्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड बेटा. ये इसकी इक्वेशन बन रही है ना, इसका यूनिट बन रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर सेकेंड और मोल पर सेकेंड. मोल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है बेटा? कितने मोल्स सबस्ट्रेट के कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट इसमें हर सेकेंड में. दैट विल बी डिनोटेड बाय कैटल. अगर मैं आपको बताऊंगा एक कैटल कितना होता है, बताओ मुझे बेटा एक कैटल कितना होता है? सर वो ये होता है, कन्वर्शन ऑफ, अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं, एक ही बात करो ना, कन्वर्शन ऑफ वन मोल ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इज पर सेकेंड. हम ऐसे लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ ना, वन कैटल इज इक्वल टू, एक कैटल क्या होता है बेटा, वन कैटल इज इक्वल टू बेटा, दैट इज कन्वर्शन ऑफ वन मोल ऑफ सबस्ट्रेट, कन्वर्शन ऑफ वन मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड बेटा, दैट इज वन कैट इज इक्वल टू वन मोल पर सेकेंड. ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना. तो कटल जो है बेटा, इट इज दी शाबाश, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का यूनिट जो कटल है, दैट इज इट डिनोट्स द कन्वर्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इज पर सेकेंड. पर सेकेंड बेटा, ठीक है बेटा, पर सेकेंड में कितने मोल्स कन्वर्ट हो जाएंगे सबस्ट्रेट के किस में, प्रोडक्ट्स में, दैट इज नोन एज कटल. और इस कटल को अगर हम कहेंगे एक कटल कितना होता है, सर वो ये होता है जब एक मोल सबस्ट्रेट का पर सेकेंड कन्वर्ट होता जाएगा, तो दैट इज नोन एज वन कटल. दिस इज द इक्वेशन बेटा, ये आप याद रखेंगे इसका. तो कटल आपने याद रखा, शाबाश बेटा. ये यूनिट जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट कटल. शाबाश बेटा, कटल इज द यूनिट दैट इज असाइनड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री बेटा टू मेजर द एंजाइम एक्टिविटी और टू मेजर द एंजाइम एक्शन बेटा. ये हुआ हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट. कभी कभार हम इसको मिली कटल भी कहते हैं, मिली कैड भी कहते हैं, माइक्रो कैड भी कहते हैं, जितना छोटे क्वांटिटी में होगा. आपको पता है मिली माइक्रो आप जानते हैं. तो कैड तो पहला यूनिट है. अब लगे हाथ एक और चीज भी बताता हूं मैं बेटा. कभी कभार इस एंजाइम एक्शन को कैट, तो मैंने बोला इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का आईयूबी का ये यूनिट है बेटा. कभी कभार कुछ वर्कर्स, कुछ साइंटिस्ट इसको इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं. कभी कभार इसको कुछ वर्कर्स डिनोट करते हैं एंजाइम एक्शन को, सम वर्कर्स यूज अनदर यूनिट. उस अनदर यूनिट को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनिट आईयू. कभी कभार आईयू का भी यूज किया जाता है एंजाइम एक्शन को मेजर करने के लिए. सर ये इंटरनेशनल यूनिट आईयू है क्या? आईयू एक इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है बेटा? ये तब होता है, शाबाश, इट डिनोट्स द कन्वर्शन ऑफ वन मिली मोल. अगर एक इंटरनेशनल यूनिट की बात करेंगे ना बेटा, एक इंटरनेशनल यूनिट का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ वन मिली मोल ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स पर मिनट. अब सेकंड नहीं है, पर मिनट. इसका मतलब क्या हुआ? वन, शाबाश, इंटरनेशनल यूनिट इज इक्वल टू वन आईयू इज इक्वल टू मिली मोल, वन मिली मोल
पर मिनट बेटा, पर मिनट याद रखना है, ये इंटरनेशनल यूनिट है, बट ये उतना यूनिट नहीं है, ये ज्यादा प्रिविलेंट नहीं है जितना कैट है बेटा. कैट इज दी यूनिट दैट इज असाइनड बाय इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एंड वो लॉजिकल है भी, उसी को याद रखेंगे बेटा. तो लगे हाथ ये भी इंटरनेशनल यूनिट का भी कंसेप्ट समझ आया. ये दोनों यूनिट यूज किए जाते हैं जब हम मेजर करते हैं. इनसे कौन सी चीज मेजर करते हैं बेटा? शाबाश, मेजर करते हैं इनसे कौन सी? एंजाइम एक्टिविटी बेटा, एंजाइम एक्टिविटी. ये तो है यूनिट ऑफ एंजाइम एक्शन. मैंने कहा था छोटे टर्म्स है, दोनों समझ में आए होंगे. अब आ जाते हैं हमारे दूसरे एक और टर्म पे बेटा. बेटा अब जो टर्म है दैट इज आइसो एंजाइम्स. आइसो एंजाइम्स बेटा ये भी एक अच्छी टर्म है जो पता होनी चाहिए आप लोगों को और जो पूछ भी सकते हैं. आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं? ठीक है बेटा, आइसो से आपको अंदाजा लग गया होगा बेटा. आइसो इज सिमिलर, समवट सिमिलर, ठीक है ना बेटा, सिमिलर. आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे. दीज आर the multiple forms, these are the multiple forms of enzymes. These are multiple forms of an enzyme. Multiple forms of an enzyme that catalyze similar reaction. That catalyze a similar reaction. ठीक है ना, catalyze similar reaction. देखो बेटा, अगर कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स अस सी बेटा, इसमें अगर कोई एंजाइम है वो इस रिएक्शन को करता है. सपोज ई एंजाइम है, इस ई के बड़े सारे फॉर्म्स ई वन ई टू ई थ्री ई फोर डैश डैश एंड डैश डैश एंड डैश. अगर ये एक ही एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म्स है, ये एंजाइम्स डिफरेंट फॉर्म्स तो है लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म्स सिमिलर रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं बेटा. मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम, एक ही एंजाइम के बहुत सारे फॉर्म्स अगर कैटलाइज करेंगे एक ही रिएक्शन को, उस टाइम उन सारे फॉर्म्स को एक साथ क्या कहेंगे? आइसो एंजाइम्स, और हम लिखेंगे इनको आइसोजाइम्स भी कहते हैं बेटा. क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स बेटा. ठीक है, आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स बेटा. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है बेटा, यू माइट बी वंडरिंग कि अगर ये मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द एंजाइम है, एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे तो मल्टीपल फॉर्म्स क्यों है? एक ही एंजाइम तो कर सकता था. व्हाई देयर आर दिस इज मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम, व्हाई? इसका भी मैं आंसर बताता हूं बेटा, मगर याद रखेंगे आप जितने भी ये मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स है ना बेटा, ये मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स डिफर करते हैं, दे डिफर इन ऑल द पैरामीटर्स. ये आपस में सेम नहीं होते हैं. Except one thing, जिसमें ये सिमिलर होते हैं, they catalyze the similar reaction. बाकी जो इनका pH value, बाकी Km जो मैंने Michaelis Menten constant, जितने भी चीजें होती है structure, वो सारा differ करते हैं. They differ in every parameter. Except one thing that this they catalyze the similar reaction, बेटा. Isozymes or isoenzymes इनका नाम है. अब question ये होता है why and how these isoenzymes are formed. When they catalyze the similar reaction, why are different forms observed there? ठीक है बेटा, तो उसका भी आंसर मैं देता हूं why. और एक example भी बताता हूं बेटा. Isoenzymes जो है क्यों आते हैं बेटा, कैसे possible है isoenzymes बेटा? Simple सी एक कहानी है. पहला reason मैं आपको बताता हूं isoenzymes क्यों होते हैं बेटा. Isoenzymes इसलिए होते हैं because sometimes कुछ time पे these multiple forms are coded by different genes. बेटा बहुत सारे लोगों को यह लिख के ही समझ आया होगा ना बेटा कि यह different genes का चक्कर क्या है. बेटा मैं समझाता हूं, आप समझ जाएंगे बेटा. जो ये enzymes होते हैं ना बेटा, ये enzymes basically proteins होते हैं बेटा. आपको पता है एक्सेप्ट राइबोसोम्स, जो मैं भी कुछ टाइम बाद डिस्कस करूंगा. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स जो है दे आर कोडेड बाय, शाबाश बेटा, आरएनए. आपको पता है वो, और आरएनए कहां से कोड होता है? खुद बेटा वो डीएनए से होता है. आपको सेंट्रल डॉगमा पता है बेटा. तो डीएनए मतलब, कहने का मतलब है जीन्स. तो दीज एंजाइम्स आर कोडेड बाय जीन्स.
ठीक है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है इनको कोड करने के लिए? सारी मैसेज कहां होगी बेटा? जीन्स में। अगर मैं कहूंगा जीन जो है वो एक फॉर्म एंजाइम E1 बनाता है, सपोज एक जीन, दूसरा जीन यहां पे है वो इसी एंजाइम की दूसरी फॉर्म बनाता है, यहां पे तीसरा जीन है बेटा वो उसी एंजाइम की तीसरी फॉर्म बनाता है बेटा, तो ये तीनों के तीनों फॉर्म्स घूम रहे होंगे ना फिर बॉडी में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे ना तीनों फॉर्म्स, लेकिन ये तीनों फॉर्म्स डिफरेंट जीन्स के कोड किए गए प्रोडक्ट्स है बेटा। उस टाइम तो जरूरी है हमारी बॉडी में एक एंजाइम के कितने फॉर्म्स होंगे? बड़े सारे फॉर्म्स होंगे, मल्टीपल फॉर्म्स, एंड दीज मल्टीपल फॉर्म्स समटाइम्स, मैं लिख रहा हूं हर बार ये नहीं होगा, ये एक रीजन है, समटाइम्स दीज मल्टीपल फॉर्म्स आर कोडेड बाय डिफरेंट जीन्स इन द बॉडी, डिफरेंट जीन्स इन द बॉडी। जैसे मैंने आपको सिखाया बेटा, एक जीन एक को कोड करेगा, दूसरा जीन दूसरी फॉर्म को कोड करेगा, तीसरा जीन तीसरी फॉर्म को कोड करेगा, और इनकी स्पेशलिटी क्या होगी बेटा? दे विल कैटलाइज दी सिमिलर रिएक्शन। मगर फॉर्म्स तो तीन आ गई ना, तो उनको क्या कहते हैं बेटा? एंजाइम्स कहते हैं उनको, आइसो एंजाइम्स कहते हैं बेटा, और आइसोजाइम्स। ये तो पहला रीजन हुआ, वेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एन एंजाइम आर कोडेड बाई डिफरेंट जीन्स, ऐसा भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बेटा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है बेटा, दूसरा पॉइंट, व्हेन शाबाश, समटाइम्स सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स की बात कर रहा हूं, समटाइम्स सम एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मोनोमेरिक फॉर्म एंड ओलिगोमेरिक फॉर्म। बेटा ओलिगोमेरिक एंड मोनोमर्स आपको पता है, ओलिगोमर्स किनको कहते हैं, मोनोमेरिक किसको कहते हैं, मोनोमेरिक फॉर्म का मतलब है जिसमें एक ही सब यूनिट होगा बेटा, इसमें एक ही यूनिट होगा, और ओलिगोमेरिक का मतलब होता है जिसमें फ्यू यूनिट्स होंगे, ठीक है बेटा। अगर मोनोमेरिक फॉर्म में कोई एंजाइम है, सपोज एक एंजाइम मेरे पास है ई, इसके दो फॉर्म्स है, ये ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये एग्जिस्ट करता है मोनोमेरिक फॉर्म में, इसकी ये मोनोमेरिक फॉर्म जो है ये भी एग्जिस्ट कर रही है, और यही ई किसी और टिश्यू में, किसी और आर्गन में, किसी और जगह पे ओलिगोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मोर देन टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। किस किस फॉर्म में? ओलिगोमेरिक फॉर्म में और मोनोमेरिक फॉर्म में बेटा, ठीक है ना बेटा। तो ये ओलिगोमेरिक एंड मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों के दोनों कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को, लेकिन किन रिएक्शंस को दोनों के दोनों कैटलाइज करेंगे? सिमिलर रिएक्शंस को। गो, यहां पे मसला क्या है? सम एंजाइम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ओलिगोमेरिक फॉर्म एंड मोनोमेरिक फॉर्म। इन मोनोमेरिक फॉर्म देयर इज ओनली वन सब यूनिट, एंड वेयर इज ओलिगोमेरिक फॉर्म देयर आर फ्यू सब यूनिट्स, अप टू 9, अप टू 10, ठीक है बेटा। ओलिगोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट्स एंड कैटलाइज द रिएक्शन, एंड मोनोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट्स एंड कैटलाइज द रिएक्शन, बट वो रिएक्शन कौन सी कैटलाइज करेंगे? सिमिलर रिएक्शन। उस टाइम भी ये दोनों के दोनों फॉर्म्स क्या कहलाएंगे बेटा? आइसोजाइम्स और आइसोएंजाइम्स बेटा, खास ख्याल रखना, ये दूसरा रीजन है, ठीक है बेटा, दूसरा रीजन है। अब तीसरा रीजन, क्यों कैसे ये आइसो एंजाइम्स होते हैं बेटा? मैं थोड़ा सा खींच रहा हूं इस टॉपिक को, थोड़ा सा डेप्थ में ले जा रहा हूं, अदरवाइज बस डेफिनेशन ही काफी थी आप लोगों के लिए, लेकिन आप डिटेल में पढ़ोगे बेटा। तीसरा रीजन कैसे आते हैं आइसो एंजाइम्स बेटा, सम एंजाइम्स एग्जिस्ट एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे एग्जिस्ट एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। बेटा क्या मुझे जरूरत है ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिटेल में बताने की? नहीं, हमने कंजुगेटेड प्रोटीन्स ध्यान से अच्छे से पढ़े हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होगा बेटा? एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है या ग्लूकोज पार्ट होता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है, और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कौन सा पार्ट होगा? फिर प्रोटीन पार्ट भी होगा बेटा। तो ये कंजुगेटेड प्रोटीन है बेटा, कौन सा प्रोटीन है बेटा? कंजुगेटेड प्रोटीन। आपको तो पता है कंजुगेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें दो चीजें होती है, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। यहां नॉन प्रोटीन पार्ट में कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं बेटा, जानते हैं आप, हमने ग्लाइकोसाइलेशन एंड लिपोसाइलेशन सेल बायोलॉजी में ही पढ़ी है बेटा, लिपोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन आपको याद आया होगा बेटा। अब अगर ये एंजाइम जो है बेटा, अगर ये एंजाइम यहां पे है जिसमें ग्लूकोज पार्ट है, यानी कि ये ओलिगोसैकेराइड पार्ट है बेटा, और ये प्रोटीन पार्ट है,
कहते इसी एंजाइम जो है, ये जो एंजाइम है सपोज ई एंजाइम है मेरे पास, इस ई एंजाइम में अलग अलग फॉर्म्स क्यों बनेंगे? वो तब बनेंगे जब वो इस ऑलिगोसेकेराइड में डिफर करेगा। सपोज इसकी एक फॉर्म ये है ई वन, इसमें एक टाइप का ऑलिगोसेकेराइड है, मतलब एक टाइप का ग्लूकोज पार्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन अगर ये है। इसके दूसरे में जो E2 है इसमें ऑलिगोसेकेराइड डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है। अगर इसका E3 फॉर्म है इसका ऑलिगोसेकेराइड चेन डिफरेंट है। वो ये किस में डिफर कर रहे हैं? यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट में, लेकिन इनका प्रोटीन पार्ट तो सिमिलर ही है। अगर प्रोटीन पार्ट सिमिलर ही है तो रिएक्शन भी सिमिलर ही कैटालाइज करेंगे, मगर ये तो डिफरेंट हो गए। किससे डिफरेंट हो गए? व्हेन दे डिफर इन ऑलिगोसेकेराइड पार्ट। एंड ऑल द थ्री फॉर्म्स बेटा, ऑल द थ्री फॉर्म्स विल कैटालाइज ए सिमिलर केमिकल रिएक्शन, एंड दस ऑल द थ्री फॉर्म्स आर नोन एज आइसोजाइम्स आर आइसो एंजाइम्स बेटा। ये तीसरा रीजन है कि हाउ देयर आर There is possibility of having the multiple forms of an enzyme. कोई पूछेगा आपसे, इतना नहीं पूछेगा लेकिन higher classes में, NEET या उससे भी आगे higher classes में आपसे ये पूछा जाएगा, there is possibility of isoenzymes and there are isoenzymes present in our body. But बेटा question आएगा, how is it possible? आपके पास तीन reasons मैंने दिए, ये ना बेटा, some multiple isoenzymes are coded by different genes, number one, some are present as oligomeric and monomeric forms which are different but perform the similar function, and sometimes they exist as glycoproteins and the forms differ in this glucose part, oligosaccharide part beta. These are the three important reasons that sums up beta, that sum up how there is possibility of isoenzymes in the body. And beta, agar aapko yaad rakhna hoga na iski example, jo sabse acche se example padhi gayi hai body mein, study ki gayi hai, wo ek enzyme ki batata hoon beta. Yaad rakhenge example beta, wo example kiski hai beta, ek enzyme isko kehte hai lactate dehydrogenase. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है बेटा, ये सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है क्योंकि इसके सबसे ज्यादा फॉर्म्स पाए गए हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ये भी सुनते जाओ, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस क्या काम करता है बॉडी में? ये लैक्टिक एसिड को बेटा कन्वर्ट करता है पाइरुविक एसिड में, जो थ्री कार्बन एसिड होता है बेटा, पाइरुविक एसिड में लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। बेटा ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है ना बेटा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस 1, LDH 2, LDH 3, LDH 4, LDH 5 बेटा, इसके पांच के पांच फॉर्म्स है बेटा। ये देखो फाइव, इन्हीं को कहते हैं मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम बट कैटालाइजिंग दी सिमिलर रिएक्शन। बेटा कोई बताएगा आप में से कौन सी रिएक्शन? यस सर, दीज ऑल द फॉर्म्स ऑफ दिस लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस हेल्प्स इन द कन्वर्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू पाइरुविक एसिड। बेटा यही कन्वर्शन, लैक्टिक एसिड इनटू पाइरुविक एसिड, एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस दीज फाइव फॉर्म्स आर नोन एज isozymes और isoenzymes बेटा। होप कि आपको isoenzymes अच्छे से समझ आया होगा बेटा। बोर्ड एग्जाम की तो छोड़ दो, ये नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में isoenzyme, नीट में आ सकता है और हायर क्लासेस में काम आएगा बेटा, ठीक है ना? तो ये समझ आया होगा। ये हुई हमारी दूसरी टर्म, दूसरा टॉपिक, और अब जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है दैट इज बेटा राइबोजाइम्स, जो मैंने प्रॉमिस किया था मैं पढ़ाऊंगा राइबोजाइम्स बेटा। राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स बेटा, दीज राइबोजाइम्स आर नॉन प्रोटीन एंजाइम्स। देखो कितनी अच्छी टर्म बता रहा हूं मैं, नॉन प्रोटीन एंजाइम्स, नॉन प्रोटीन एंजाइम्स बेटा। All the enzymes are 99% of the enzymes are proteinaceous, that I have already mentioned time and again. Beta, non-protein enzymes ka matlab kya hota hai? Ye enzyme to hai, but non-protein hai. They are not formed of proteins. Non-protein enzymes, and we can say these ribozymes are a set of, these ribozymes are a set of ribonucleic acids.
राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, आरएनए मॉलिक्यूल्स, सेट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड इज दैट एक्ट एज बायोकैटालिस्ट्स, मतलब एंजाइम्स बेटा, दैट एक्ट एज बायोकैटालिस्ट्स, ठीक है बेटा, दैट एक्ट एज बायोकैटालिस्ट्स एंड हेल्प इन, शाबाश, एंड हेल्प इन स्पीडिंग अप ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा, दे एक्ट एज बायोकैटालिस्ट्स, दीज आर राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स, मैं पहले ही बोल चुका हूं, राइबोसोम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स विच आर, शाबाश, एंजाइम्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स विच एक्ट एज बायोकैटालिस्ट, मतलब बायोकैटालिस्ट का मतलब क्या हुआ, टेक्निकली एंजाइम्स दैट हेल्प इन स्पीडिंग अप ए केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ये एक्ट करते हैं, कैटालिसिस करवाते हैं, कौन, राइबोसोम्स आरएनए मॉलिक्यूल्स बेटा, ये सबसे पहले देखे गए थे, उसका नाम था ऑल्टमैन, उस बायोलॉजिस्ट का, उस साइंटिस्ट का, उसका नाम था ऑल्टमैन, उसने सबसे पहले देखा गया और उसके वर्कर्स बहुत सारे थे, ऑल्टमैन एंड को वर्कर्स बेटा, उन्होंने सबसे पहले ये डिटेक्ट किया था, पहले सबसे पहले इसको, और उन्होंने इस राइबोजाइम को नाम दिया था राइबोन्यूक्लियस पी उसका नाम दिया था, जो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट डिटेक्ट किया था उसका नाम क्या रखा था बेटा, राइबोन्यूक्लियस पी, इन्होंने क्या कहा ये राइबोन्यूक्लियस पी क्या काम करता है, इन्होंने देखा कहा कि ये राइबोन्यूक्लियस पी जो है ये टीआरएनए के प्रीकर्सर को बेटा, फिर से बता रहा हूं, प्रीकर्सर वो होता है जहां से कोई चीज बनता है, ठीक है ना, प्रीकर्सर को कन्वर्ट करता है मेन टीआरएनए मॉलिक्यूल में, एक्टिव टीआरएनए मॉलिक्यूल में, मतलब ये जो एंजाइम यहां पे है कौन सा, राइबोन्यूक्लियस पी, ये प्रीकर्सर टीआरएनए प्रीकर्सर को क्लीव करता है, तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसको कैटालाइज करवाता है ताकि वो मेन टीआरएनए और एक्टिव टीआरएनए बना दे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम देखते हैं राइबोन्यूक्लियस पी का क्या है, उन्होंने उसके बाद देखा राइबोन्यूक्लियस पी में, जब देखा इन्होंने इसको, शाबाश, करेक्टराइज करके देखा, उससे यहां से निकाला कौन सा चीज, आरएनए फ्रेगमेंट्स, आरएनए मॉलिक्यूल निकाला, आरएनए पार्ट निकाला, किसमें, राइबोन्यूक्लियस पी का क्या निकाला, आरएनए फ्रेगमेंट, फिर उन्होंने उस पर चेक किया, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने कहा इसका जो आरएनए फ्रेगमेंट है, यस, ये स्पीड अप कर सकता है रिएक्शन को, अगर ये स्पीड अप रिएक्शन को कर सकता है इसका आरएनए फ्रेगमेंट, दैट मींस राइबोन्यूक्लियस पी सच में कौन सी प्रोसेस करवाता होगा, टीआरएनए के प्रीकर्सर को एक्टिव टीआरएनए में कन्वर्ट करता होगा बाय क्लीविंग, क्लीविंग का मतलब ब्रेक डाउन करने का मतलब होता है, ठीक है बेटा, तो ये एंजाइम एक्टिविटी उसकी ऑल्टमैन एंड कोवर्कर्स ने पहले ही बता दी थी, यस इट इज राइट, राइबोन्यूक्लियस पी उस एंजाइम का नाम था जो सबसे पहला राइबोजाइम डिटेक्ट किया गया था। तो बेटा एक और फैक्ट है इसके बारे में, इन राइबोन्यूक्लियस के बारे में एक, इस के बारे में एक और फैक्ट है, कहते हैं कि ये फैक्ट क्या है कि ये बिलीव किया जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट क्या, कि एंजाइम एक्टिविटी जो है किनकी, राइबोजाइम्स की बेटा, एंजाइम एक्टिविटी ऑफ राइबोजाइम्स इज देयर इवन बिफोर दी डिस्कवरी ऑफ मेन एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस एंजाइम्स, जो हम लोग प्रोटीनेशियस एंजाइम्स पढ़ते हैं ना बेटा, जो हम पिछले 6 लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि राइबोन्यूक्लियसिस की एंजाइम एक्टिविटी उनसे भी पहले थी, डिटेक्ट बाद में की गई हो बेशक, लेकिन कहते हैं कि ये एंजाइम एक्टिविटी जो है ये पहले से ही है, जब से राइबोन्यूक्लिक एसिड्स बने हैं, एवोल्यूशन का किस्सा है बेटा, केमिकल एवोल्यूशन की बात हो रही है, वो कोसरवेटिव उसका किस्सा बेटा, जब वो लाइफ वाटर में बन रही थी, न्यूक्लिक एसिड्स बन रहे थे, आरएनए बन रहा था, कह रहे तब से ये आरएनए मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने कैटालाइज करना स्टार्ट किया था, दैट मींस दे आर देयर इवन बिफोर द मेन एंजाइम्स, जो मेन एंजाइम्स प्रोटीनेशन एंजाइम्स बने थे, इनकी एंजाइम एक्टिविटी तब से है बेटा, इन आरएनए मॉलिक्यूल्स की, ठीक है बेटा। तो ये हमारी तीसरी टर्म थी, राइबोजाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स व्हिच एक्ट एज बायोकैटालिस्ट्स आर इन अदर वर्ड्स व्हिच कैटालाइज द केमिकल रिएक्शंस आर हेल्प इन द स्पीडिंग अप ऑफ रिएक्शंस बेटा। इसमें राइबोन्यूक्लियस पी का कंसेप्ट आप याद रखेंगे। तो ये तीन टर्म्स पेंडिंग थी जो मैं सोच रहा था मैं आपको ये छोटे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाऊं, होप कि आप लोगों को ये समझ आए होंगे बेटा।
तो कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होगा दैट विल बी टेकन अप इन डाउट क्लासेस आर यू कैन रीच टू मी पर्सनली, तो मैं क्लियर कर सकता हूँ ये बेटा. तो एज आई ऑलरेडी मैंशनड दिस थिंग एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर दैट इट इज द कंक्लूडिंग लेक्चर ऑफ एंजाइम्स, इट इज द सेवंथ लेक्चर, दैट इज टू मच बेटा. एंजाइम्स का सातवां लेक्चर है, इट वॉज द लास्ट लेक्चर, आई एम कंक्लूडिंग हेयर एंड इज द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है बेटा, तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन फिजियोलॉजी, वी विल बी टेकिंग अप द डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इंशाल्लाह. ठीक है बेटा, तो आपसे डिस्कस किया जाएगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट, यू विल बी कन्वेड अबाउट ऑल दैट. ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच.